आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली कि हॉस्पिटल में जो हाउसकीपिंग होता है वो हाउसकीपिंग और एक मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई होटल्स है बड़ा मल्टीनेशनल, तो उन हाउसकीपिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो एक बेसिक डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊँगा गाइस, जब कभी भी आप किसी हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग को अप्लाई करते हो तो बेसिकली वहाँ पे सिलेक्शंस उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास हॉस्पिटल का हाउसकीपिंग का एक्सपीरियंस हो। अभी ऐसा क्यों होता है ये बताता हूँ गाइस यहाँ पे, कि जो हेवी इक्विपमेंट होते हैं हाउसकीपिंग यानी हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो इक्विपमेंट यूज़ करने की एक वे होता है और वो वे यानी उनकी जो ट्रेनिंग्स है बेसिक ट्रेनिंग्स वो वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है। क्योंकि हाउसकीपिंग के बंदे को जो बेसिक सेटिंग्स होती है किसी इक्विपमेंट की, अगर कोई इक्विपमेंट आप क्लीन कर रहे हो या फिर आप किसी इक्विपमेंट की मान लीजिए डस्ट क्लीन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि उस इक्विपमेंट में पावर सप्लाई कैसे आता है, उस इक्विपमेंट को चालू या बंद कैसे करते हैं, उसके बाद उस इक्विपमेंट के कौन कौन से पार्ट है जो आपको क्लीन कर सकते हो और किन पार्ट्स को आपको टच नहीं करना है। तो ये जो ट्रेनिंग्स है वो ट्रेनिंग्स बेसिकली उन लोगों की कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन जो न्यू बंदे होते हैं या फिर जो अदर बैकग्राउंड से उस फील्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं होती है। अभी लकीली मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उन बंदों को उसमें जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि होटल वाला बंदा अगर हॉस्पिटल में आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। सो बेसिक कंडीशंस यही है कि आपके पास बेसिक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास अच्छा खासा रेफरेंस हो तो आप अदर फील्ड से इस फील्ड में आ सकते हैं। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। कुछ क्वेरी कमेंट डाउट्स हो रिगार्डिंग सेम तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।